हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर सेटिंग। दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो कोई डिग्री या कोई भी डिप्लोमा करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास या तो वक्त नहीं होता, या तो पैसा नहीं होता, या वो रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते। बहुत सारी परेशानियों में अटक जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो गर्ल स्टूडेंट होती है वो बहुत जल्दी या तो जल्दी शादी होने की वजह से या तो फिर घर पर रहने की वजह से वो कोई कॉलेज अटेंड नहीं कर पाती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ स्टूडेंट पर उनके घर की जिम्मेदारियां बहुत ही जल्दी पड़ जाती हैं, तो ऐसे समय में उनके लिए कॉलेज जाना पॉसिबल नहीं होता है। या तो वो अपना खुद का बिजनेस संभाल लेते हैं, या तो फिर वो कोई जॉब कर लेते हैं, तो ऐसे में उन्हें या रेगुलर कॉलेज करके डिग्री लेना वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम आपको बात कर रहे हैं कि आप घर बैठे आपका बिजनेस चलाते हुए, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसे कंडीशन में बिना कॉलेज रेगुलर करे कैसे आप डिग्री पा सकते हो। दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। इस तरह की बहुत सारी ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में अवेलेबल है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी उनमें से बेस्ट है। अब इसमें क्या है, इसमें आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, जैसे टूरिज्म में सर्टिफिकेट कोर्स होगा, क्रिएटिव राइटिंग में कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो सकता है, डिग्री कोर्सेज होते हैं बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, इस तरह के कोर्सेज कर सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफर करता है, जैसे कि एमए इन साइकोलॉजी हो गया, फिलोसॉफी हो गया, गांधी एंड पीस स्टडीज, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। इसके साथ ही बीए के कोर्सेज अवेलेबल है, एमकॉम और बीकॉम के कोर्सेज अवेलेबल है। ये तो होगा डिग्री, अगर आप इतना लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते तो डिप्लोमा एक साल के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, उससे भी छोटे अगर आप करना चाहते हो 6 मंथ के सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ये सारा आप कर सकते हो बिना रेगुलर कॉलेज किए। इसमें होता यूँ है कि आपको एडमिशन लेना है, इसके बाद मोस्ट ऑफन बहुत सारे कोर्सेज के लिए एवरी संडे काउंसलिंग सेशन होता है कुछ 2-4 घंटों का, वो आप अटेंड कर सकते हो। अगर आप वो नहीं अटेंड कर सकते तो भी कोई इश्यू नहीं है, बस आपको टाइम टू टाइम आपके जो भी असाइनमेंट्स है वो आपको सबमिट करने होते हैं, और आपके एग्जाम्स के डेट आने पर आपको एग्जाम्स के लिए अपेयर करना होता है। इस साल से क्या हुआ है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है, तो इसके लिए हमने वीडियो के नीचे लिंक दी है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे पहुंचोगे, या तो खुद भी गूगल पे सर्च करके आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको होम पेज पे दिख जाएगा कि एडमिशन के लिए जो भी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करनी है। दूसरी बात ये कि 15 जुलाई से पहले आपको एडमिशन लेना है, तो दोस्तों मौका मत गवाइए। छोटे मोटे जो भी कोर्सेस अवेलेबल है वो आप कर सकते हो, उनका ब्रोशर देखिए, कैटलॉग देखिए, उसमें देखिए कि कौन से कोर्सेज आपको पसंद आते हैं, और बहुत ही वैरायटी में कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, एनजीओज हो गया, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जो आप कर सकते हो। तो मौका मत गवाइए, देखिए कि कौन से कोर्सेज आपको सूट करते हैं, उसके लिए अप्लाई कीजिए जल्द ही बिना टाइम गवाए, और मुझे लगता है बिना कॉलेज के आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजिए कि कौन से कोर्सेज आप करने वाले हो, और आपको लगता है कि आप ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते लेकिन डिग्री करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें शेयर कीजिए, और हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।